समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंचा है। बीजेपी सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंची है। वहीं प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाने की भी शिकायत बीजेपी चुनाव आयोग से करेगी। अश्विनी वैष्णव, विनोद तावड़े, ओम पाठक समेत बीजेपी प्रतिनिधि मंडल इस समय चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा है। तो आप जानते ही हैं, अब इस समय चुनावी माहौल है, चुनावी समर है, और ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल मौका छूटना नहीं चाहता है। और इस समय अब प्रतिनिधि मंडल बीजेपी का सुप्रिया श्रीनेत के बयान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंचा है शिकायत लेकर। सुप्रिया श्रीनेत ने विवादित पोस्ट पर अपनी सफाई भी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं की है। उनकी सफाई पर अब कंगना ने भी पलटवार किया है, वो सुनिए। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। तो सुप्रिया श्रीनेत को भी आपने सुना, कंगना रनौत को भी सुना। आज कंगना बड़ी सफाई से कह रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मंडी से अब लोकसभा चुनाव की उम्मीदवार होंगी, तो कह रही हैं कि साहब महिलाओं की डिग्निटी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से जुड़ी हुई हो। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कंगना रनौत खुद महिलाओं के, चाहे वो ममता बनर्जी हो और चाहे उर्मिला मातोंडकर हो, बेहद विवादित बयान दे चुकी हैं। लेकिन अब ये पूरा मामला सियासी है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी सफाई दी है और उनका कहना है कि ये कमेंट उन्होंने नहीं बल्कि उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड रखने वाले किसी शख्स ने किया है। श्रीनेत ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। मेरा मेटा अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति ने एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया है जिसे हटा दिया गया है। जो कोई भी मुझे जानता है वो जानता होगा कि मैं किसी महिला के लिए ऐसा कभी नहीं कहूंगी। तो सुप्रिया श्रीनेत बेहद आक्रामक कांग्रेसी प्रवक्ता हैं और अच्छे अच्छों को जिसे कहे कि वो परेशान कर देती हैं अपनी बातचीत से, अपने शब्दों के बाण से, अपने बयानों से। लेकिन आज सुप्रिया श्रीनेत खुद जो है वो कटघरे में है अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर। सुप्रिया श्रीनेत की सफाई पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने पूछा है कि सुप्रिया का सोशल अकाउंट कहाँ से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट जो थे वो दूसरे कई लोग डील कर रहे थे। पहले उनकी गठबंधन की एक नेता हैं जिनके प्रश्न वाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे। अब कांग्रेस की, आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही हैं उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। अभी बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। Z News।